गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैंने कल वर्किंग कैपिटल का पहला लेक्चर डाला था। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज कर लीजिएगा, तो होप कि आप लोगों ने रिवाइज किया होगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आज जो हमारा डिस्कशन है वो इलस्ट्रेशन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। वर्किंग कैपिटल के बारे में कल मैंने बताया था कि हमें सिर्फ दो चीज़ें ढूंढनी है, एक करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। फिर नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने कराया था। अब आज क्या डिस्कशन है कि आज जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है या जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी के थोड़े से आगे के एडवांस प्रॉब्लम्स होंगे। तो सबसे पहले आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। अ कंपनी प्लान टू मैन्युफैक्चर एंड सेल 400 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, कितना यूनिट? 400 यूनिट ऑफ अ डोमेस्टिक अप्लायंस पर मंथ। 400 यूनिट पर मंथ एट अ प्राइस ऑफ 600 ईच। द रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस आर एज फॉलोज। कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस का 30% रॉ मटेरियल, 180 रुपए कह सकते हैं। सेलिंग प्राइस का 10% पैकिंग मटेरियल। सेलिंग प्राइस का 15% डायरेक्ट लेबर और सेलिंग प्राइस का 5% डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, फोर सिक्सटी ये अभी तक आपके वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड ओवरहेड कह रहा है 4,32,000 पर एनम। द फॉलोइंग नॉर्म्स आर मेंटेन फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। रॉ मटेरियल कितने दिन के लिए रखना है? 30 डेज। पैकिंग मटेरियल का क्या है भाई? 15 डेज। फिनिश्ड गुड्स 200 यूनिट। वर्क इन प्रोग्रेस 7 डेज। अदर पर्टिकुलर आर गिवन बिलो। क्रेडिट सेल्स रिप्रेजेंट 80% ऑफ टोटल सेल्स एंड डीलर इंजॉय 30% वर्किंग डेज क्रेडिट। बैलेंस 20 आर कैश सेल्स। मतलब जो भी टोटल सेल्स होती है उसका 80% 80% आपका क्या है? क्रेडिट सेल्स है। और जिसमें डीलर 30 दिन का, मतलब आप अपने जो डेटर है उसको 30 दिन का क्रेडिट देते हो। ठीक, डीलर इंजॉय 30 डेज क्रेडिट। बैलेंस 20 आर कैश सेल्स। और जो बैलेंस 20% है वो कौन सा सेल्स है? कैश सेल्स है। बी पॉइंट कह रहा है क्रेडिटर अलाउ 21 वर्किंग डेज क्रेडिट फॉर पेमेंट। ठीक है, सी पॉइंट कह रहा है लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एंड एक्सपेंस इज 15 वर्किंग डेज। कितने वर्किंग डेज? 15। कैश रिक्वायरमेंट टू बी 12% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का 12% कैश का रिक्वायरमेंट है। वर्किंग डेज इन अ ईयर आर टेकन एज 300 फॉर बजटिंग पर्पस। प्रिपेयर अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट फॉर बजट ईयर। मतलब आप एक साल में 360 की जगह पे 300 दिन मान के चलिएगा वर्किंग डेज। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए मॉड्यूल में अपने, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। अच्छा, यहाँ पे चलो ध्यान देना, अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो आप उसको नेट से डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले फॉर्मेट क्या है भाई? फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, अब आपका सबसे पहला काम है आप एक फॉर्मेट बनाइए, स्टेटमेंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। देखिए बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है और सॉरी 7 मार्क्स 8 मार्क्स जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आए। अच्छा, उन स्टूडेंट के लिए तो बड़ा स्पेशल है जो आईपीसीसी और सीएमए इंटर बोथ दे रहे हैं।
क्योंकि उनको, या जो सीएमए वाले बच्चे जो आगे सीए करना चाहते हैं तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा है। देखिए इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक हेडिंग डाल लीजिए, करंट एसेट्स, हेडिंग डालिए। अब यहां पे पॉइंट नंबर वन, अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पॉइंट डालते चले जाएंगे। देखिए द फॉलोइंग नाम्स आर मेंटेन्ड फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो सबसे पहले क्या है, रॉ मटेरियल, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा क्या है, पैकिंग मटेरियल, स्टॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल। तीसरा क्या है भाई आपका, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया वही पॉइंट मैं लिखते चल रहा हूं। ए पॉइंट पे आइए, क्रेडिट सेल्स की बात कर रहा है, डेटा लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्रेडिटर, लैग इन पेमेंट, कैश रिक्वायरमेंट, कैश पे आ जाइए। अच्छा, कैश रिक्वायरमेंट टू बी 12% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, अभी छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप आ जाइए करंट लाइबिलिटीज में, हेडिंग डाल लीजिए। लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्रेडिटर्स, ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग है बस। अच्छा, क्रेडिटर फॉर 21 वर्किंग डेज, क्रेडिट फॉर पेमेंट, ठीक है। यहां पे क्रेडिटर सर क्यों बाद में बताएंगे। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड ये हो गया टोटल करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। ओके, अब उसके बाद यहां पे आप निकाल लीजिए वर्किंग कैपिटल। नेटवर्किंग कैपिटल कर दीजिए, एड कैश। सर यहां पे तो आप पिछले फॉर्मेट से थोड़ा उल्टा चल रहे हैं। हाँ बेटा चल तो रहे हैं, क्यों अभी बाद में बताएंगे। अब आइए आप सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पे। अब एक चीज ये बताइए कि क्वेश्चन में कह रहा है स्टार्टिंग में कि वो 400 यूनिट एक महीने में बनाता है, तो एक साल में कितनी यूनिट बनाएगा, 4800, क्लियर है। और रॉ मटेरियल के बारे में कह रहा है 30% ऑफ सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस है 600 रुपए, तो 600 रुपए का जब आप 30% कर देंगे, मैंने ऊपर अंदीजेगा किया है, तो कितना आ जाएगा 180। और रॉ मटेरियल का कितने दिन का है, 30 डेज, तो 30 डिवाइड बाई 300, तो 1/10 भी कर सकते हैं ना इसको, 48 मल्टीप्लाइड बाई 180, 86,400। अब आइए पैकिंग मटेरियल के ऊपर, पैकिंग मटेरियल कितना परसेंट है, 10%, 60 रुपीज, कितने दिन का है भाई, 15 डेज, 15 डिवाइड बाई 300, 14,400। अब बात आती है वर्क इन प्रोग्रेस की, तो वर्क इन प्रोग्रेस में अब मैटर फंसा कि आप क्या लेंगे। तो देखिए आप वर्क इन प्रोग्रेस समझिए, 4800 इंटू 180 इंटू कितने दिन का है, 7 डेज, सॉरी हाँ 7 डिवाइड बाई 300, प्लस 4800 इंटू 67 डिवाइड बाई 300, हम्म
432,000 डिवाइड बाई 4,890। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा एक बार पहले इसकी कॉस्ट शीट बना दूं ताकि आपकी समझने के लिए भी आसानी हो, नहीं तो आप कहोगे सर मेरा आंसर तो आ जाएगा फिर आप कंफ्यूज रहोगे। देखिए वर्किंग पहले आप देख लीजिए, रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स्ड ओवरहेड। रॉ मटेरियल कितना परसेंट कह रहा है, 30% निकाल लीजिए, 180। लेबर कितना परसेंट कह रहा था, सॉरी पैकिंग मटेरियल कितना कह रहा है, 10%, 60। लेबर कितना कह रहा है, 15%, 90। डायरेक्ट एक्सपेंस 5%, तो 600 का 5% 30, और फिक्स्ड ओवरहेड है 432,000 फॉर अ ईयर, तो डिवाइड बाय 4,800 कर दीजिए, 90 रुपीज। अब इनको आप टोटल कर लीजिए, 180 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 30 फिर प्लस 90, कितना आ गया, 450। सेलिंग प्राइस कितनी है, 600। प्रॉफिट कितना आ गया, 150। हमें इन सब चीज़ों की खैर कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आप वर्किंग कैप, वर्क इन प्रोग्रेस को समझिए भैया। वर्क इन प्रोग्रेस मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो मटेरियल तो वर्क इन प्रोग्रेस में पूरा 100% लग गया होगा ना, और लेबर और ओवरहेड 50%। अगर 100% लेबर और ओवरहेड भी लग गया होता तो वर्क इन प्रोग्रेस क्यों होता, वो तो फिनिश गुड्स हो जाता। फिर उसके बाद सर पैकिंग मटेरियल आपने लिए, बेटा पैकिंग मटेरियल का यूज तो पैकिंग के समय होगा ना, फिनिश गुड्स में, तो मटेरियल आप ले लीजिए 4,800 इंटू वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिए, 4,800 इंटू 285 इंटू 7 डिवाइड बाई 300। सर ये कैसे, बेटा 180 लेबर का, 180 ले लिया वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, कि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेबर का 50% 45, डायरेक्ट एक्सपेंस का 50% 15, और फिक्स्ड ओवरहेड का 50% 45। जब आप जोड़ेंगे तो 285 आएगा। सर आपने पैकिंग मटेरियल क्यों नहीं लिया, बेटा आप अच्छी तरह जानते हो मैं बता चुका हूं, अब देखिए यहां पे आइए, 4,800 इंटू 285 इंटू 15 एंड डिवाइड बाई, सॉरी 15 नहीं 7 है, सॉल्व करिए, 4,800 इंटू 285 इंटू 7 डिवाइड बाई 300, 31920। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अब फिनिश गुड्स तो पूरा का पूरा हुआ होगा ना, 4,800 इंटू कॉस्ट कितनी है भाई आपकी टोटल, 450। लेकिन यहां पे फिनिश गुड्स के लिए क्या कहा है, कहा है फिनिश गुड्स सिर्फ 200 यूनिट रखना है, बस 200 इंटू 450, थोड़ी सी अलग बात हो गई, यहां डेज नहीं दिया फिनिश गुड्स के लिए, कितना हो गया, 90,000। फिर आइए सेल्स के ऊपर, 4,800 इंटू 600 सेलिंग प्राइस है, क्वेश्चन में कह रहा है क्रेडिट सेल्स रिप्रेजेंट 80%, 80% कर लीजिए आप, कितने दिन के लिए आप अलाउ कर रहे हैं, 30 वर्किंग डेज, 30 डिवाइड बाई 300, सॉल्व कर लीजिए, 4,800 इंटू 600 इंटू 80 डिवाइड बाई 100 इंटू 30 डिवाइड बाई 300, टोटल कितना आ गया, 2,30,400। ठीक है, अब आइए क्रेडिटर पे, सबसे पहले रॉ मटेरियल, कॉस्ट पर यूनिट 180 दिया हुआ है, 21 डेज, 21 डिवाइड बाय 300, पैकिंग मटेरियल भी तो खरीदा है ना, कितना है पैकिंग मटेरियल को कॉस्ट, 60 रुपीज, इनका भी 21 डेज,
ओवरहेड 4800, ओवरहेड दो है, एक है डायरेक्ट एक्सपेंस और लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एंड एक्सपेंस। तो सबको ले लीजिए आप, ओवरहेड एंड एक्सपेंस की बात कर रहा है तो 90 और प्लस 30, ओवरहेड एंड एक्सपेंस, ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड 90 और डायरेक्ट एक्सपेंस 30। लेबर के बारे में नहीं कहा है तो इसलिए लेबर को लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया 120 इंटू कितने दिन का है भाई, 15 वर्किंग डेज, 15 डिवाइड बाई 300, सॉल्व करिए 4800 इंटू 180 इंटू 21 डिवाइड बाई 300, 60,480, 4800 इंटू 60 इंटू 21 डिवाइड बाई 300, 20,160, 4800 इंटू 120 इंटू 45 सॉरी इंटू 15 डिवाइड बाई 300, 28,800। वन लैख 9,440 वर्किंग कैपिटल, इसको बी से डिनोट कर दीजिए, ए माइनस बी 4,53,120। तो वर्किंग कैपिटल आया आपका 3,43,680। कैश एट द रेट कितना परसेंट कह रहा है, 12% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल 41,242। टोटल कर लीजिए 3,84,922। ये आ गया आपका टोटल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड पर। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो देख लो, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन कुछ हो तो मेरे से पूछ लो। सर इसको नोट कर लें बेटा, ये ऑलरेडी सॉल्व है, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। क्या है भाई नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, देखिए इलस्ट्रेशन थर्ड। अ कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा, क्या है, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। एक कॉस्ट शीट बनी हुई है, एवरेज रॉ मटेरियल इन स्टॉक 1 मंथ, एवरेज मटेरियल इन प्रोसेस हाफ अ मंथ, एवरेज फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक 1 मंथ, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ, क्रेडिट अलाउड टू डेटर 2 मंथ, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 वीक, ओवरहेड 1 मंथ, और क्या है, 1/4 ऑफ सेल्स ऑन कैश बेसिस, कैश बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी 1,20,000, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल नीडेड टू फाइनेंस अ लेवल ऑफ एक्टिविटी 70,000 यूनिट ऑन एनुअल आउटपुट, द प्रोडक्शन इज कैरिड थ्रू आउट द ईयर ऑन इवन बेसिस एंड वेजेस एंड ओवरहेड अकर सिमिलरली, कैलकुलेशन टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज अ मंथ एंड 52 वीक अ ईयर, ये मान के आप चलेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लें आप, पढ़ लीजिए आप पहले इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, फिर मैं इसको करा देता हूं।
इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड मेरे ख्याल से बड़ा इजी सा इलस्ट्रेशन है। आप एक काम करिएगा, कोशिश से करिएगा कि इसे आप सेल्फ ट्राई कीजिए, ठीक है? नहीं होता है तो देन मेरे से पूछ लीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड बहुत इजी है, आप इसको सेल्फ ट्राई करें तो बेहतर है। टाइम वैसे ही कम है हम लोगों को, सब्जेक्ट काफी पढ़ने हैं। अब आइए सीधा इलस्ट्रेशन नंबर फोर। क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फॉर ईच ऑफ ईयर, ईच ऑफ ईयर। अब इन्होंने ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए कहा है। एज्यूम 360 डेज पर ईयर फॉर कंप्यूटेशनल पर्पस। आप ये मान के चलिए कि साल में कितने दिन होते हैं, 360 दिन। ध्यान दीजिएगा, मटेरियल का रिलेशन किससे है? परचेज से। फिनिश गुड्स का रिलेशन किससे है? टोटल कॉस्ट से या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। वर्क इन प्रोग्रेस को भी आप इसी से ले लीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस का भी रिलेशन कुछ नहीं है तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट से ही ले लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ही ले लीजिए। फिर डेटर का रिलेशन किससे होगा? सेल्स से। क्रेडिटर का रिलेशन किससे होगा? परचेज से। सर ये रिलेशन क्या है? बता रहा हूं बेटा मैं, एक मिनट। इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगता है, बाकी बहुत आसान है। चलिए देखिए, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय परचेज। मैं एक साल का निकाल रहा हूं, दूसरे साल का आप निकालिएगा, इनटू 360। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 20,000। परचेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 96,000। 360 75 डेज, यानी कि स्टॉक को आपको कितने दिन रखना है? 75 डेज। अभी देखिए, जो वर्किंग कैपिटल जो हम लोग लगाते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल जो निकालते हैं, उसमें डेज दिया रहता है। हम लोग निकालते हैं कितने रुपए का स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। यहां पे वैल्यू दी हुई है, हमें डेज निकालना है, सीधी सी बात है। वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 360। वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक कितना दिया हुआ है? 14,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1,40,000 इंटू 360। सॉल्व कर लीजिए, 36 डेज। फिर फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 360। डेज में निकालना है तो 360 ले लिया, मंथ में निकालना होगा तो 12 रख देंगे, वीक में निकालना होगा तो 52 रख देंगे। फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 21,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है? 1,40,000 इंटू 360, 54 डेज। डेटर्स, डेटर, सेल्स 360। डेटर क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है? 32,000। सेल्स क्वेश्चन में दिया होगा 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 360, 72 डेज। ठीक, और कोई? स्टॉक का हो गया, डेटर का हो गया,
मैंने आपको बताया भी था साइकिल पहले लेक्चर में, आप इनको टोटल कर लीजिए, फिर निकाल लीजिए क्रेडिटर, क्रेडिटर परचेज, क्योंकि क्रेडिटर का रिलेशन किससे होगा, जाहिर सी बात है परचेज से, 360। तो क्रेडिटर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 16,000। परचेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 96,000। 360 आपने इसको सॉल्व किया, कितना आ गया, 60 डेज। ये हो गया बी और ये हो जाएगा ए। टोटल करिए, 75, 36, 54, 72, 237 डेज। ऑपरेटिंग साइकिल ए माइनस बी, 237 में से 60 माइनस कर दीजिए, 177 डेज। कितना टिपिकल क्वेश्चन है देखिए, बहुत टिपिकल है ना। इसका ईयर फर्स्ट मैंने किया, ईयर सेकंड आप करिएगा होमवर्क। दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिया आपको। अरे होमवर्क मतलब होम पे ही तो, लॉकडाउन में चाहे जो सा वर्क मानो उसे, दांत निकाल रहे कुछ लोग सर होमवर्क। अब आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन 60,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 5 रुपीज, रॉ मटेरियल 60 ऑफ सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट वेजेस 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, ओवरहेड 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, मटेरियल इन हैंड 2 मंथ रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन टाइम 1 मंथ, फिनिश गुड्स इन स्टोर 3 मंथ्स, क्रेडिट फॉर मटेरियल 2 मंथ्स, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 3 मंथ्स, एवरेज कैश बैलेंस 20,000। इतनी चीजें दी हुई। वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉलोइंग इन प्रोडक्शन, ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल आर चार्ज इन द इनिशियल स्टेज एंड वेजेस एंड ओवरहेड अकर इवनली, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डबल शिफ्ट वर्किंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये अभी सिंगल शिफ्ट का दिया हुआ है, कह रहे हैं कि अगर डबल शिफ्ट में हम काम करेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट का आप बताइए कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्या है भाई 5? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन 60,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 5 रुपीज, रॉ मटेरियल 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट वेजेस 10% ऑफ सेलिंग प्राइस एंड ओवरहेड 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, मटेरियल इन हैंड 2 मंथ्स रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन टाइम 1 मंथ, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस जो होगा वो 1 मंथ का निकलेगा, फिनिश गुड्स इन स्टोर 3 मंथ्स, क्रेडिट फॉर मटेरियल यानी क्रेडिटर 2 मंथ्स, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर यानी डेटर्स 3 मंथ्स, एवरेज कैश बैलेंस 20,000, वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉलोइंग इन प्रोडक्शन ऑल द रिक्वायर्ड, मटेरियल आर चार्ज इन द इनिशियल स्टेज एंड वेजेस एंड ओवरहेड अकर इवनली, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डबल शिफ्ट वर्किंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहला ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट क्या है, जब आपका डबल शिफ्ट में होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसका वर्किंग नोट पे आ जाइए। वर्किंग नोट क्या है भाई, वर्किंग नोट एक छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, रॉ मटेरियल, वेजेस, ठीक है, ओवरहेड,
रॉ मटेरियल, लेबर, और क्या भाई आपका ओवरहेड। रॉ मटेरियल कितना कह रहा है? 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 5 रुपए है तो 5 रुपए का 60%, 3 रुपए। 10% ऑफ सेलिंग प्राइस 0.5। ओवरहेड 20% ऑफ सेलिंग प्राइस 1 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट हो गया 4.5 रुपए। तो सेल्स कितने में कर रहा है? 5 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 0.5। ये चीज क्लियर है यहां तक? अब आप यहां पे एक छोटा सा फॉर्मेट बना के पहले आप सॉल्यूशन शुरू कर दीजिए। स्टेटमेंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए करंट एसेट। करंट एसेट्स में सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स, कैश, टोटल करंट एसेट। करेंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, और कुछ आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉलोइंग, इन द एक महीने का है। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, टोटल करंट लाइबिलिटीज, नेट वर्किंग कैपिटल, ये आपने एक सिंपल फॉर्मेट बना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आइए वर्किंग। 60,000 यूनिट वो बना रहा है साल भर में सिंगल शिफ्ट पे, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 3 रुपए पर यूनिट, और मटेरियल इन हैंड कितने महीने? 2 मंथ, 2 / 12। 60,000 2 / 12, 60,000 1.5 into 50, 1 / 12. Finished goods 60,000, 4.5, 3 / 12, finished goods in stock 3 months. डेटर 5, आ जाओ। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 3 मंथ्स, 3 / 12। कैश 20,000। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करो। हेलो, क्या होगा इसके सारे क्वेश्चन किस चैप्टर के? ओके, तो कितना आया भाई?
हेलो, कितना है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? वैल्यू कितनी आई? 30,000। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 15,000। इनका कितना आया? 3,750। 18,750। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 67,500 एंड डेटर्स 75,000 ऑन सेल्स नॉट ऑन कॉस्ट। ओके सर, ये वर्क इन प्रोग्रेस बेटा, मटेरियल 100% लगा था, लेबर एंड ओवरहेड 50%। तो यहाँ पे देखिए 1.5 आपने ले लिया लेबर एंड ओवरहेड का, और उसका कितना परसेंट कर दिया? 50% कर दिया। क्लियर है पॉइंट? टोटल करिए आप तो 2,11,250 रुपये आए। फिर आपका क्रेडिटर्स आया 30,000। क्रेडिटर कैसे निकालेंगे आप? तो 60,000 का मटेरियल, 60,000 यूनिट आप बना रहे हो, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 3 रुपये पर यूनिट। और क्रेडिट फॉर मटेरियल कितने महीने का है? 2 मंथ्स, 2 डिवाइड बाई 12। टू मंथ आउटस्टैंडिंग वेजेस 60,000 इंटू 0.5 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 60,000 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 कितना है? ये 5,000। और ये कितना आ रहा है? 2,500। टोटल करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 37,500। तो नेट वर्किंग कैपिटल कितना आया? 1,73,750। पहला पॉइंट तो आपने सॉल्व कर लिया, ए पॉइंट जो कह रहा था। अब ये बी पॉइंट कह रहा है, बी पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर हम डबल शिफ्ट में काम करें तो क्या हमारी वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो डबल शिफ्ट काम करने पे, अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर अगर डबल शिफ्ट पे काम करेंगे तो मटेरियल हमारा डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल शिफ्ट पे अगर काम करेंगे तो मटेरियल डबल हो जाएगा। पहले इसमें एक एजम्पशन लिया हुआ है इन्होंने, द फॉलोइंग एजम्पशन, वो एजम्पशन आप भी ले लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने जो एजम्पशन लिया वही एजम्पशन आप भी लीजिए, क्योंकि एजम्पशन लेना तो कोई वो है नहीं, एजम्पशन कोई कुछ भी ले सकता है। सर हम हमारे जो मन में आए हम ले लें, बिल्कुल आप ले सकते हो, लेकिन अगर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ICMAI ने पूछा है तो सोल्यूशन भी तो वो अपना ही देगा ना, तो एजम्पशन भी तो अपना ही मानेगा। तो मेरा मेरा मानना ही है, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं मॉड्यूल के एजम्पशन को फॉलो करता। क्या एजम्पशन है भैया? कह रहा है अब प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन पहले 60,000 अगर साल भर में बन रहा है तो 1 महीने में 1,000, यानी कि पूरे साल भर में कितना प्रोडक्शन यूनिट का प्रोडक्शन होगा? 1,20,000। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? सेकेंड पॉइंट कह रहा है मटेरियल मे नॉट बी रिक्वायर्ड एट डबल रेट ड्यू टू इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर, इट मे बी टेकन एज 2/3। इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर, इन्वेंट्री का जो इन्वेंट्री टेक्निक को ये अप्लाई किया होगा तो मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी भाई? 2/3, ये इन्होंने माना है। तीसरा क्या कह रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस विल बी द सेम एट 5,000 यूनिट, यानी कि जब 5,000 यूनिट 1 महीने में बनाते थे तो जो वर्क इन प्रोग्रेस आता था वही वर्क इन प्रोग्रेस यहां पे भी आएगा। ठीक है, विल बी द सेम, दिस विल नॉट इंक्रीज एज वर्क इन प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि जो वर्क इन प्रोग्रेस होगा, मतलब एक शिफ्ट का वर्क इन प्रोग्रेस दूसरे शिफ्ट में वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना, दो शिफ्ट में कर रहे हैं, इनका ये मानना है। दिस विल नॉट इंक्रीज एज वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट शिफ्ट विल बी हैंडेड ओवर टू सेकेंड शिफ्ट, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो सेकेंड शिफ्ट को हैंडेड ओवर कर दिया जाएगा, तो फिनिश गुड्स की तरफ बढ़ जाएगा। 50% ऑफ ओवरहेड आर एज्यूम्ड एज फिक्स्ड, आप ये मान के चलेंगे कि जो 50% ओवरहेड है वो क्या है? फिक्स है। ठीक, दिस विल नॉट इंक्रीज ड्यू टू डबल शिफ्ट वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ अबव एजम्पशन। अब आप निकालिए जो इन्होंने एजम्पशन लिए हैं, तो अब हम चलते हैं बी पॉइंट करने, पहले इनको हटा दूं। ओहो
ठीक है। बी पॉइंट में आ जाइए, अगर पहले शिफ्ट में रॉ मटेरियल 30,000 लग रहा है तो दूसरे शिफ्ट में भी कितना लगेगा? 30,000, लेकिन इन्होंने कह दिया ड्यू टू इन्वेंटरी कंट्रोल मेजर 2/3, ये अजम्पशन लिया इन्होंने, तो आप भी वही कर लीजिए। जो दूसरे शिफ्ट का है वो 2/3 लगेगा। आप टोटल करिए 30,000, तो ये हो जाएगा टोटल 50,000। वर्क इन प्रोग्रेस, तो मटेरियल तो उतना, वर्क इन प्रोग्रेस में इन्होंने कहा कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट का जो मटेरियल, मतलब फर्स्ट हाफ का जो मटेरियल होगा वो सेकेंड हाफ का क्या बन जाएगा? फिनिश गुड्स में चला जाएगा। तो मटेरियल का तो 15,000 आप ले लीजिए यहाँ पे। फिर आइए लेबर, लेबर एंड ओवरहेड, तो कितना लेंगे भाई लेबर एंड ओवरहेड? 60,000 इंटू 1.25 इंटू 1/2 और 1/12। कितना आया? 3,125। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्यों और कैसे। 18,125 रुपए फिनिश गुड्स, 60,000 तो पूरा 1,20,000 यूनिट बन रहा है ना, इंटू 4.25 इंटू 3/12, कितना हो गया? 1,27,500। डेटर्स 1,20,000 इंटू 5 इंटू 3/12, कितना हो गया भाई? 1,50,000। कैश की भी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? जस्ट डबल, 40,000। तो टोटल कितना आ गया? 3,85,625। क्रेडिटर पे आ जाइए, 1,20,000 इंटू 3 इंटू 1/2, सिक्सटी थाउजेंड। वेजेस 1,20,000 इंटू 0.5 इंटू 1/12, 5,000। ओवरहेड 1,20,000, ओवरहेड में थोड़ा सा चेंजेस करता हूं मैं, इसको वाइप कर दूं पहले। 1,20,000 इंटू 0.5 इंटू 1/12, तो ये आ गया 5,000। फिक्स्ड आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड ओवरहेड 7,500। टोटल आया 72,500। टोटल करेंट लायबिलिटी बी से डिनोट कर दो। नेट वर्किंग कैपिटल 3,13,125। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब जो पॉइंट मुझे समझाना है वो आप समझिए कि सर ये लेबर एंड ओवरहेड कैसे आपने 1.25 किया और ये ओवरहेड का ट्रीटमेंट आप बताइए। बेटा जी समझो आप इसको, इनके अजम्पशन के बिहाफ पे एक छोटा सा आप कॉस्ट शीट बना लो। रॉ मटेरियल इनके अजम्पशन, जो अजम्पशन इन्होंने लिया है 3 रुपए का, लेबर 0.5 रुपीस का, ओवरहेड इन्होंने कहा 50% फिक्स और 50% वेरिएबल।
और रेट कितना है 1 रुपए। 1 रुपए का आप 50% करें तो 0.5 वेरिएबल और 0.5 फिक्स, तो टोटल कितना हो गया 1 रुपए, 4.5 हो गया सर। लेकिन अब यहां पे आप समझिए कि जब सेकेंड शिफ्ट में आएगा तो जो फिक्स कॉस्ट होता है एक दिन का लग गया तो लग गया ना, लेकिन अब आप एक दिन में दो शिफ्ट में काम कर तो जो दूसरा शिफ्ट होगा क्या उसमें फिक्स ओवरहेड लगेगा 50% मान के चलिए, यही अजम्पशन तो कह रहा है 50% और ओवरहेड आर एज्यूम्ड एज फिक्स्ड, तो 50% आप एज्यूम कर लीजिए। तो 0.5 को आपने फिक्स माना है, तो यहां पे हो गया टोटल 0.75। अब यहां पे जो टोटल कॉस्ट आ रही है टोटल कर लीजिए 3.5 प्लस 0.75, टोटल कॉस्ट आ रही 4.25। ध्यान दीजिए इसके एजम्पशन पे, ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन में लिया है वो। अब ध्यान दीजिए इन्होंने कहा है कि हम ये जम्पशन लेकर चल रहे हैं ना कि जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड है उसका 50% मतलब जो ओवरहेड है उसका 50% क्या है आपका फिक्स्ड है, तो ओवरहेड आप देखिए कितना 1 रुपए, तो 1 रुपए का पहले आप 50% लीजिए तो 0.5 वेरिएबल तो 0.5 फिक्स हो गया। लेकिन सर डबल शिफ्ट में 0.25, बेटा 0.5 पूरे एक दिन का मान लीजिए एक दिन का सपोज, ठीक, तो पहले 0.5 लग रहा था, देखिए 1 रुपए अगर पूरा है तो उसमें से वेरिएबल अगर 0.5 कर लीजिए तो फिक्स कितना हुआ 0.5, यानी कि पहले 1 रुपए पूरा लग रहा था, अब जब डबल शिफ्ट होगी तो फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी ना, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट, फिक्स कॉस्ट की खासियत क्या होती है टोटल में सेम होती है पर यूनिट में चेंज हो जाती है, तो टोटल में तो 50 पैसे, लेकिन अब यूनिट ज्यादा बनेगी तो कम होगी ना, तो डबल शिफ्ट यानी कि 0.5 एक शिफ्ट का दे रहे थे तो डबल शिफ्ट का कितना हो जाएगा यानी दो शिफ्ट का कितना हो जाएगा, तो 0.5 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 0.25 हो जाएगा ना, तो अब टोटल कॉस्ट तो 4.25 आ गई, तो जो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो कितने पे निकालेंगे अब 4.25 पे, और ओवरहेड जब निकालेंगे तो ओवरहेड में जो फिक्स्ड ओवरहेड है तो पहले आप देखिए आउटस्टैंडिंग ओवरहेड पिछले बार जब आपने निकाला था तो कितना आया था 5000, तो 5000 का आप 50% ले लीजिए क्योंकि 50% तो फिक्स है ही है, तो 2500 आ गया, ठीक, और जो रिमेनिंग ओवरहेड है 1,20,000 इंटू 0.5 इंटू 1/12 5000 आ गया वेरिएबल वाले का, तो टोटल 7500। क्लियर है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर हम आते हैं 7 पर, इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या है भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 7 चलिए देखते हैं क्या है। 6 थोड़ा सा अलग चीज है, 6 के बारे में अभी डिस्कशन नहीं, पहले 7 करा लें फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या है भाई, सोलरिस लिमिटेड सेल गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% नॉट काउंटिंग ऑन डेप्रिसिएशन एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट्स एस्टिमेट द नेक्स्ट ईयर आर एज फॉलोज, सेल्स होम एट 1 month क्रेडिट 1200, एक्सपोर्ट एट 3 month क्रेडिट सेलिंग प्राइस 10% बिलो होम प्राइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मटेरियल यूज सप्लायर एक्सटेंड 2 month क्रेडिट, वेजेस पेड 1/2 month इन एरियर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पेड 1 month इन एरियर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पेड 1 month इन एरियर, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, इनकम टैक्स पेबल इन 4 installments ऑफ विच 1 फॉल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, द कंपनी कीप 1 month स्टॉक ऑफ ईच ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स एंड बिलीव इन कीपिंग 20 lakh एज कैश, assuming a 15% safety margin, ascertain the estimated working capital requirement of the company, ignore
वर्क इन प्रोग्रेस, काम आसान कर दिया आपका। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले इनके वर्किंग पे आते हैं। क्या है वर्किंग? नहीं, सबसे पहले आप स्टेटमेंट बना लीजिए, स्टेटमेंट के बाद वर्किंग करेंगे। स्टेटमेंट बना के पहले आप एक काम फुर्सत कर लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हेडिंग डाल दीजिए करंट एसेट्स, ठीक। करंट एसेट्स में क्या क्या है भाई? तो कंपनी की 1 month स्टॉक ऑफ ईच ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट आगे? फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओके। तो अब देखिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, और क्या है मटेरियल के बाद? क्वेश्चन पढ़ते जाइए वो अपने आप। एंड बिलीव इन कीपिंग 20 lakh एज कैश, कैश लिख लीजिए तीसरा पॉइंट। फिर क्या कह रहा है? Assuming 15% safety margin ascertainment the estimated working capital requirement for the company। फिर उसके बाद debtor, debtor, domestic और export, दो अलग अलग निकलेगा क्योंकि इन्होंने दो अलग अलग सेल किए, ठीक है। चलिए अब आप क्वेश्चन में देखिए, तो रॉ मटेरियल कितना था? मटेरियल यूज्ड सप्लाई एक्सटेंड 2 month क्रेडिट 450 lakh का, और स्टॉक कितने दिन का रखने के लिए कह रहा है? कंपनी की 1 month स्टॉक ऑफ ईच ऑफ रॉ मटेरियल 1/12 का, तो कितना सिंपल है, इसमें तो ज्यादा तामझाम ही नहीं है। 37.5। फिर फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कितना है भाई? तो आप क्या करेंगे, आप एक कॉस्ट शीट बना लीजिए सिंपल सा, तो फिनिश गुड्स आपका निकल आएगा। मैं वर्किंग में दिखा देता हूं आपको, मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, और तो मटेरियल कितने का है? मटेरियल है 450 lakhs, और वेजेस कितने का है? 360 lakhs। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने का है? 540 lakhs, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितने का है? 120 lakhs। टोटल किया 1470, सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 1470। कितने दिन के स्टॉक रखने की बात हो रही थी फिनिश गुड्स को? 1 month, तो 1470 डिवाइड बाई 12, 122.5। कैश के लिए कही दिया 20 लाख रुपए मेंटेन करना है। डेटर्स, तो डेटर्स यहां पे सेल्स आपके दो हैं, एक है होम डोमेस्टिक 1200 का सेल्स है, और कितने महीने का क्रेडिट दे रहे हो? 1 month 100। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट का कितना है भाई? 540 lakhs। कितने महीने का क्रेडिट दे रहा? 3/12, 10% कम पे बेचा मैं, उससे मतलब नहीं, टोटल वैल्यू दिया हुआ 540 lakh, बस उसी का ले लो 135 lakh, ठीक। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, तो प्रीपेड है या एडवांस एक्सपेंस? सेल्स प्रमोशन कितना दिया हुआ है? 60,
वन डिवाइड बाई फोर, एक एडवांस, एक क्वार्टर का एडवांस है, ठीक है। अब यहां पे आप टोटल करिए, टोटल करंट एसेट्स डिनोट कर दीजिए ए से, 37.5, 122.5, 20 लाख प्लस 100 लाख, 135 लाख प्लस 15, 430, क्लियर। अब आ जाइए आप किस पे, लाइबिलिटीज पे, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले कौन आएगा, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर मटेरियल यूज, सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ क्रेडिट, 450 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, ₹75 लाख। फिर क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग एडमिन एक्सपेंस। तो वेजेस कितना है क्वेश्चन में, देखिए आप 360, कितने दिन का एरियर बता रहा है, 1.5 मंथ, यानी कि 0.5 डिवाइड बाई 12 कर दीजिए यहां पे, 360 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12 कितना आ गया भाई, 15 लाख। फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 540, कितने दिन का एरियर बता रहा है, 1 मंथ, 1 डिवाइड बाई 12, 45 लाख। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 120, कितने महीने का एरियर बता रहा है, 1 मंथ, 10। और उसके अलावा कुछ नहीं है, टोटल करंट लाइबिलिटीज टोटल कर दीजिए, 75 प्लस 15 प्लस 45 प्लस 10, 145 लाख। अब यहां पे आप निकाल लीजिए, ऐड करिए इसमें, सेफ्टी मार्जिन भी बोला है ना, अब आप निकालिए नेट करंट एसेट, नेट वर्किंग कैपिटल नहीं, नेट करंट एसेट, ध्यान दीजिएगा, नेट करंट एसेट कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी, तो 430 माइनस 145, तो नेट करंट एसेट्स आया आपका 285। एड सेफ्टी मार्जिन, याद रखिएगा सेफ्टी मार्जिन हमें कहां पे ऐड करना है, नेट करंट एसेट निकालने बाद, जब अभी सिंपल सेफ्टी मार्जिन ना कहता तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता, सेफ्टी मार्जिन कह रहा है तो नेट एसेट आप निकालेंगे, टोटल करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, कितना परसेंट कह रहा है, 15%, तो 285 का 15% निकाल लीजिए, तो 42.75 टोटल कर दीजिए, 327 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्लियर है। तो ये आपका जो मैंने इलस्ट्रेशन बताया है दोनों, अभी एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 और एक इलस्ट्रेशन नंबर 5, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। अब जो इलस्ट्रेशन आपका आ रहा है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है।
और फिर उसके बाद ये लास्ट इलस्ट्रेशन है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।